कौन सा 25 साल की उम्र का लड़का 15-13-14 लाख रुपए लेके बैंक बैलेंस वाला है आजकल? 4 साल बाद जब निकलेगा तो 12-13 लाख रुपए उसके अकाउंट में रहेंगे और उसके बाद तमाम उसके पे खुला आसमान रहेगा कहीं और भी ऑब्जर्व होने के लिए। बहुत बढ़िया स्कीम है। वो लोग तो चाहते हैं कि हमारा गजवाए हिंद कामयाब हो। इस तरह में युवा जाएंगे, ट्रेन होंगे, रहेंगे, अपने घर की कुछ ना करेंगे तो अपने घर की सुरक्षा तो करेंगे। कल को समस्या कश्मीर जैसी आती है तो क्या हम कश्मीर पंडितों की तरह पलायन कर जाएंगे? कौन खड़ा होगा हमारे परिवार के साथ बताइए? पुलिस क्या हर जगह खड़ी होगी? सरकार की इतनी अच्छी रणनीति है ये कि आप पूरे देश में यदि अग्निवीर एक परिवार से एक गांव से यदि 50 अग्निवीर भी हो जाते हैं उस गांव की ओर कौन हिम्मत उठाएगा, आँख उठाएगा? वो 35 साल का आदमी आग लगाने के लिए 1000 रुपये लेके काम कर रहा है, ये क्या बात है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। केंद्र सरकार युवाओं के लिए एक नई योजना लाई है सेना में भर्ती होने के लिए अग्निपथ अग्निवीर, लेकिन उसका काफ़ी विरोध हो रहा है, विपक्षी उसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ बनारस की आम जनता है, आइए उनसे जानते हैं क्या कहना उनका। सर क्या कहेंगे जो अग्निपथ स्कीम आई है, क्या कहेंगे? देखिए, अग्निपथ जो है ये राजनीति की भेंट चढ़ गया है, ठीक है, ये इसमें राजनीतिकरण अधिक हो गया है और बहुत अच्छी योजना है, ये युवाओं के लिए एक प्रोत्साहन का विषय है जी, बिल्कुल। और सबको ये केंद्र सरकार को दृढ़ता से इसे लागू करना चाहिए और सभी युवाओं को बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। विपक्ष विरोध कर रहा है कि 4 साल बाद युवा कहाँ जाएंगे? भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो विपक्ष विरोध कर रहा है कि वो 4 साल के लिए कोई अपने राजनीतिक क्षेत्र में कुछ लोगों के लिए काम देगा 4 साल के लिए, कि युवाओं के लिए खाली मनरेगा में ही उलझा करके रखना है कि 90 रुपया का तुम तनख्वाह पाओ दिन में और 90 रुपया के पौवा पी जाओ। अग्निवीर में जाओगे कम देश के लिए कुछ करोगे, 27 लाख रुपए कमाओगे 4 साल में, कुछ ना कुछ करोगे तो कुछ आपके पास पॉकेट में रहेगा, कुछ भी धंधा बिजनेस कर सकते हैं आप खाली तो नहीं हैं। आज मनरेगा में आप कितना कमाएंगे, घर परिवार नहीं आप चला पाएंगे। आज का युवा जितना है मनरेगा में काम करता है 200 दिन ही काम करता है साल में, अब 200 दिन में 90 रुपये के हिसाब से 200 रुपये के हिसाब से कितना कमाएगा, उसमें से उसके दारू भी पीना है, दारू नहीं पिएगा रात को नींद नहीं आएगी, बात ये है। तो ये राजनीति वाले हैं, इनको विरोध करना है इनके इन प्रकारेण मोदी का और केंद्र सरकार की योजनाओं का, तो वही वो लोग कर रहे हैं। और 200-300 रुपए लेकर के 35-35 साल के युवा विरोध कर रहे हैं, 35-35 साल के युवा विरोध कर रहे हैं। ये राहुल गांधी के जितने साथी हैं वही लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है, हम कहीं गए नहीं है, तो कम से कम इसी का विरोध करें, उद्दंडता करें। अब एक तो कह रहे हम लालूवादी हैं, तो बोले काहे का भैया लालूवादी हो, बोले इस कानून को वापस करवाना, बोले कौन सा कानून का ही नहीं पता हमको, पर कानून वापस करवाना है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, इनसे क्या इच्छा रखेंगे? वो तो देखिए उसको छोड़िए, वो तो धूर्त आदमी है, उसके बारे में विषय में बात ही मत करिए। वो लोग तो चाहते हैं कि हमारा गजवाए हिंद कामयाब हो। इस तरह में युवा जाएंगे, ट्रेन होंगे, रहेंगे, अपने घर की कुछ ना करेंगे तो अपने घर की सुरक्षा तो करेंगे। आइए और वह हैं, उनसे हम जानते हैं क्या कहना उनका। आप लोग बताइए सर क्या कहेंगे जो जी? सर, अग्निपथ युवाओं के लिए बहुत अच्छी है और जो 17-23 वर्ष के युवा हैं उनके लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ने के लिए है ये। देखिए, 17-23 वर्ष तक अपनी पथ युवा भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं और आगे की तैयारी भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ने किसी चीज़ में जगह नहीं दी। अभी देखिए आनंद महिंद्रा और पुलिस में अभी उनने कहा है उसको कुछ परसेंट छूट के बाद, और 17-23 साल का जो युवा होता है नौकरी करते ही अगर कोई तैयारी करेगा तो उसके घर परिवार की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, इसके कारण युवाओं को भी बहुत समस्या होती है। तो इस दोनों चीज़ों में मजबूती, और केंद्र सरकार ने इसमें युवाओं को हर चीज़ आगे में बोले हैं परसेंटेज आपको इस चीज़ में, युवाओं को बहुत अच्छी जगह है और उनको कुछ एकत्रित करने के लिए। बाद में अगर कहते हैं कि युवाओं क्या करेंगे, जो 23 लाख रुपए इकट्ठी 23 वर्ष की उम्र में कर लेता है युवा, उसके लिए कोई कम नहीं, आगे के लिए उसे कुछ भी कर सकता है अपने लिए वो। और 23 लाख की जो राशि प्राप्त होगी उसके लिए बिजनेस में भी, जो ऐसे आम जनता की तरह भागते हैं हम मनरेगा में करते हैं ऐसे कार, इसमें अगर हम कितना करेंगे, 23 लाख रुपए अगर कोई युवा पाएगा तो एक अपने अच्छे खासी बिजनेस की लेज नीचे से रख सकता है।
और अपनी तैयारी भी कुछ अच्छी कर सकते हैं और घर परिवार भी बहुत अच्छे तरीके से सेट कर जाता है। और 23 साल का युवा ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है, आगे करने के लिए 23 साल से उम्र शुरू होती है, आगे उनको कितनी सारी तैयारी करने के लिए, शिक्षक के लिए हुई और भी हुई, पुलिस में के लिए, उसके लिए कितनी अच्छी। और जो परसेंटेज छूट मिल रहा है वो सभी का देश के लिए जब भारत करेगा तो उसके अंदर जुनून आएगी देश की सेवा करने के लिए। जय भारत। जहाँ बधे क्या कहेंगे, बोल दीजिए। बधाई सर, आप बधाई, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं आंध्र से आ रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो अग्निपथ स्कीम आई है, सुना है इसके बारे में? हाँ सुना है। क्या है मतलब, क्या इसके पक्ष में है या विरोध में, फेवर करता है कि अगेंस्ट? मैं फेवर करता हूँ, क्योंकि मोदी जी जो कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है, क्योंकि बच्चों से पैदलता है यहाँ पे जो काम नहीं है। सब लोग अभी वाराणसी के आए थे और हैदराबाद से वो आग लगा हुआ है, वो 35 साल का आदमी आग लगाने के लिए 1000 रुपये लेके काम कर रहा है, ये क्या बात है? एक दिन का काम नहीं है ना, पूरा देश के लिए काम करना है तो बहुत है। चाइना पाकिस्तान से लड़ना है तो आदमी तो चाहिए ना, ये तो होना चाहिए। महादेव, जो अग्निपथ स्कीम है ये क्या कहेंगे? बहुत अच्छी योजना है सर, बहुत अच्छी योजना है ये, हम लोग और लोगों से जानते हैं। बताइए सर, क्या कहेंगे आप लोग जो स्कीम आई है? देखिए, केंद्र सरकार की योजना, सरकार को सोच समझ के ही उन्होंने इस योजना को बनाया होगा। अब विपक्ष अगर इसका मुद्दा उठा रहा तो वो पहले ये तो बताए कि उनके पास कौन सी योजना है। भाई उनके पास कोई कह रहा है कि जो पुरानी योजना है वही चले, पेंशन मिल रहा था, पेंशन मिलता रहे। देखिए, पेंशन मिल रहा है इस तरह, तो विधायक सांसदों की पेंशन भी बंद होना चाहिए नियम से, तो उसको किस बात की पेंशन मिलती है? पार्षद से लेके मंत्री संतरी हर प्रकार की पेंशन। सरकारी योजना का मतलब ये नहीं कि तुम अपना भी करो, भाई सबके लिए नियम एक होना चाहिए। प्लस अगर कोई योजना बनी है यूथ के लिए तो कुछ सोच समझ के ही बनी होगी। अगर इसमें किसी को लग रहा है कि नुकसान है तो उसको बैठ करके भी बातचीत से हल किया जाए, ना कि आगजनी से। देश का नुकसान हो रहा अभी इसी में, फिर इसी क्षण में जिस तरह से आप नुकसान ट्रेन इत्यादि जला रहे, सरकार फिर अभी इसी का भरपाई करेगी तो कहेंगे महंगाई बढ़ रही, कहीं पेड़ नहीं लगा है ना कोई जल रहा है। भाई पैसा अपने से टैक्स पे का पैसा है, इस तरह जलाना कोई बुद्धिमानी नहीं। और जो जला रहे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम वो उस तरह की योजना का लाभ लें। 40 साल 30 साल के यूथ के लिए वो योजना नहीं है। जो वास्तव पढ़ने वाले वो कभी सामने नहीं आते, वो अपने काम पर ध्यान रखते हैं। जिसको कोई काम नहीं उसी इस तरह की फालतू की अफवाहों पर ध्यान देते हैं। नेताओं का कुछ काम नहीं, नेता को किसी से लेना देना है ना किसी से, मतलब है उनको ना यूथ से मतलब, ना हमसे ना आपसे। वो अपनी रोटी सब कुछ जंगने, सबकी दुकान खुली और अपनी अपनी दुकान सब चलाना चाहते हैं। इसलिए इसको यूथ समझे इस बात के लिए और इस योजना का लाभ ले। अगर उसको कोई दिक्कत है तो उसको बैठ के हल किया जा सकता है, बातचीत से भी हर चीज़ का हल निकलता है। इसलिए इस बात को लिए सबको समझना चाहिए और जो योजना है उसका लाभ भी लेना चाहिए सर, मेरा तो यही मतलब। ये जो योजना है ये बहुत अच्छी योजना है, ये सरकार के एक माइनस पॉइंट है कि उन्होंने ऐसा पेंशन बंद की है, जिसकी वजह से ऐसा कि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा कि 23 साल 24 साल की उम्र में अगर एक युवा के पास इतनी बड़ी रकम आ जा रही है तो इससे ऐसा कि आगे चल के कोई बिजनेस भी कर रहा है, यहाँ बेरोजगार पड़ा है, वो 4 साल की योजना दिया ना, कम से कम कुछ ना कुछ तो दिया, और ऐसा कि ऐसा बेरोजगार पड़ा रहेगा, आग जलाएगा, ये करेगा वो करेगा, तो उससे ऐसा देश का भला होने वाला नहीं है ना, देश का विकास होने वाला है। भाजपा सरकार जो है ये देश के विकास के लिए काम कर रही है, तो योगदान ये कांग्रेस और ये जो पार्टियाँ हैं ये सब ऐसा कि लोगों को भटका रही हैं। अग्निपथ स्कीम आई है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी पद है, बिजनेस से आदमी आगे बढ़ता है, नौकरी से आगे नहीं बढ़ता है। नौकरी हम भी करते हैं, सुबह 5 बजे भोर में उठते हैं, फोटो भेजते हैं, फिर बाद में अपना जॉब करते हैं। बिजनेस से आगे बढ़ा जाता है, नौकरी से आगे नहीं बढ़ा जाता। सरकार ने जो भी स्कीम लाई, अच्छी स्कीम लाई है, 12 लाख मिल रहा है, इसका बिजनेस करिए आप। बिजनेस आप करेंगे देश आगे बढ़ेगा, हम यही कहना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं इस योजना के बारे में, सरकार ने आर्मी की पेंशन को काट करके और इन अग्निवीरों को देने का फैसला किया है। तो यदि बजट की बात है तो बजट सरकार कहाँ से बना रही है, इसका मैटर थोड़ा सा उलझा हुआ है, ठीक है ना? लेकिन यदि जो योजनाएं बनती हैं वो सार्वभौतिक रूप से बनती हैं, ना कि किसी एक विषय को देख करके। भारत में आज जो रक्षा को लेकर के विषय, देश की रक्षा को लेकर के आप एकांगी होकर के सोच रहे हैं। युवा तो नहीं देंगे, अग्निवीर नहीं होंगे तो भी 4 साल बर्बाद कर देंगे, मोबाइल खेल गेम खेल के बर्बाद कर देंगे,
या फिर 4 साल किसी कोर्स की तैयारी में बिता देंगे किसी नौकरी पाने के लिए, यदि सरकार, यदि एक मिनट इसे छोड़ दिया जाए, यदि सरकार अग्निवीर बनाने के लिए यदि 4 साल का कोचिंग सेंटर या कोचिंग संस्थान स्टार्ट करती तो 2-2, 4-4 लाख रुपए दे करके एडमिशन करा करके इसमें कोर्स में एडमिट होते यही लड़के जो विरोध कर रहे हैं। जी सर जी। और सरकार निःशुल्क जो है तो अग्निवीर बना रही है आपको, जो है तो एक मुश्त 11 लाख रुपए कितना रिटायरमेंट में देगी और साथ में 25,000 का 17 लाख रुपए कैसे देगी, 23 लाख रुपया टोटल कम नहीं होता है उस युवा के पास जिसके पास 10,000 रुपए भी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके पीछे का देखिए आप, सरकार ऐसा कर क्यों रही है? सरकार कर रही है हर किसी को अपने आप में आत्म सुरक्षित होने के लिए। परिवार में यदि एक व्यक्ति है, आप अभी सर्च करके देख लीजिए, हिंदुओं के परिवार में कोई गन उठाना नहीं जानता, गन देखा नहीं है। उस परिवार में यदि एक परिवार में एक युवा यदि अग्निवीर होगा तो किसके हिम्मत होगी कि परिवार की ओर आँख उठाएगा? सही बात। यदि मान लीजिए कल को समस्या कश्मीर जैसी आती है तो क्या हम कश्मीर पंडितों की तरह पलायन कर जाएंगे? कौन खड़ा होगा हमारे परिवार के साथ बताइए? पुलिस क्या हर जगह खड़ी होगी? सरकार की इतनी अच्छी रणनीति है ये कि आप पूरे देश में यदि अग्निवीर एक परिवार से एक गांव से यदि 50 अग्निवीर भी हो जाते हैं उस गांव की ओर कौन हिम्मत उठाएगा, आंख उठाएगा? यदि 50 खड़े हो जाएंगे गन लेकर के तो अच्छी अच्छी आर्मियों को, अच्छे अच्छे आतंकवादियों को भगा देंगे। इस पक्ष को क्यों नहीं देख रहे हैं आप? आखिर ये बताइए युवा जा कहां रहा है? आज नेट के दुनिया में जो है कौन नहीं जानता है कि किस प्रकार की गतिविधि में लिप्त है। और ये जितने भी बॉलीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया और ये जो वेब सीरीज चल रही हैं इनमें देख रहे हैं आप कैसी अडल्टनेस दिखाया जा रहा है? अडल्टनेस उसमें 18 से 22 साल के जो लड़के हैं वो किस खाई में गिर रहे हैं? आप इस विषय में क्यों नहीं सोच रहे हैं? अब वही 18 से 22 के बीच की यदि ज़िंदगी संवार लेंगे, 18 से 26 का ही मेन भटकाव होता है, उसी बीच में यदि युवा संभल जाएगा 23 लाख रुपये 23 साल की अवस्था में ज़िंदगी शुरू करते हैं लोग, किस सेक्टर में नहीं जा सकते बताइए? कुछ सेक्टर को छोड़ करके, आईटी सेक्टर छोड़ दीजिए आप, जो है मेडिकल सेक्टर छोड़ दीजिए आप, और इन सेक्टरों को जो है छोड़ करके ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें वो नहीं जा सकते? बल्कि और मजबूती से खड़े होंगे, 4 साल की ट्रेनिंग लेके जब खड़े होंगे उससे ज़्यादा मजबूती से वो खड़े होंगे जिस क्षेत्र में जाएंगे। आज एक सिक्योरिटी गार्ड को 15,000 रुपये आराम से मिल जाता है, लेकिन जिसके पास लाइसेंस है उसे 25,000 दिया जाता है, तो उन्हें तो बाकायदा लाइसेंस मिलेगा, वो सिक्योरिटी गार्ड भी कहीं करेंगे तो 25,000 कमाएंगे। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? और आप आर्मी का पूरा क्षेत्र देख लीजिए ना, आर्मी कितनी है भारत में? अगर हम आर्मी में जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड क्यों करेंगे? हम तो आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अरे सिक्योरिटी गार्ड का देखिए, यदि बात मुद्दे की यदि बात करेंगे, यदि विरोध की बात है तो बहुत सारी निगेटिविटी आ जाएंगी, और यदि इसे सकारात्मक रूप से देखेंगे तो इसका कितने बेनिफिट हैं, ये कितनी मतलब कि बहुत अच्छी स्कीम है ये मेरे ख्याल से। हाँ ये मैं कहूँगा कि आर्मी का जो पेंशन काटा गया है, पूर्णकालिक जो आर्मी है, तो उसमें यदि सरकार कुछ बैठ करके बातें कर ले, कुछ अदर से बजट जुटा ले, कुछ इनसे ले ले, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो रहा है। इतनी बात है हाँ भाई, आर्मी तो जान देने के लिए तैयार हो जाता है। आर्मी के लिए हम कहना चाहते हैं वो तो जान देने के लिए तैयार हो जाता है, उनका 10,000 और ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ बताना चाहते हैं कि मतलब उनके लिए 10,000 रुपये और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो जान पे खेलते हैं, हम लोग का सुरक्षा करते हैं। ये जो समझा रहे हैं ये जागरूकों को, युवाओं को जागरूकता करने की ज़रूरत है। ये सरकार जाके ऐसा नियम निकाले जो कि जो युवा जागरूक हो। अरे ये जो अभी जो बातें ये कहे हैं, इस टाइप की बातें उनको समझाने वाला होना चाहिए। ये समझाने का काम आप लोग करिए, ना कि विरोध, जो विरोध कर रही है मैं दिखाइए विरोध कर रहे हैं, ये देखिए कि वो क्यों कर रहे हैं। ये अगर उनके दिमाग बढ़ गया कि मैं क्यों कर रहा हूँ और उसके निवारण कर दे अगर सरकार, शायद विरोध खत्म हो जाए। कोई भी नियम लाने के पहले उनको समझ तो लीजिए, उनको समझाइए तो मैं क्यों ला रहा हूँ। समझाया नहीं, लागू कर दिए तो विरोध तो वही करेगा। वर्तमान परिवेश में कौन सा 25 साल की उम्र का लड़का 15-13-14 लाख रुपए लेके बैंक बैलेंस वाला है आजकल? 4 साल बाद जब निकलेगा तो 12-13 लाख रुपए उसके अकाउंट में रहेंगे, और उसके बाद तमाम उसके पे खुला आसमान रहेगा कहीं और भी ऑब्जर्व होने के लिए। बहुत बढ़िया स्कीम है, केवल इसको ठीक ढंग से लड़कों के बीच में इसको रखा नहीं।
और विरोधी तो अपना मौका ताड़ते रहते हैं सरकार का विरोध करने के लिए, देश में व्यवस्था शांति फैलाने के लिए। नहीं तो ये स्कीम बहुत बढ़िया है, अभी भी तो इसका विरोध हो रहा है। हाँ तो यही तो, ठीक से उसको ढंग से रखा नहीं गया ना, चाहे गवर्नमेंट की सीए वाली कानून थी उसका भी ठीक से प्रचार प्रसार नहीं किया गया, विरोध हुआ। कृषि कानून था उसका भी ठीक से प्रचार प्रसार नहीं हुआ, विरोध हुआ। फिर यही हाल इसमें भी है, विरोधियों को मौका मिल जाता है कहीं बरगलाने का और तोड़फोड़ कराने का, आगजनी कराने का। तो केवल इसको सही ढंग से जनता के बीच में रखने की जरूरत है। आइए कुछ और युवा हैं, उनसे जानते हैं। आप लोग बताए कहाँ से हैं? सर हम लोग वाराणसी के ही रहने वाले हैं। ये बताइए जो अग्निपथ स्कीम आई है क्या कहेंगे? सर सही है, सरकार जो योजना लाई है सही लाई है। विरोध हो रहा है सर, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग जाने किस लिए विरोध कर रहे हैं? इसमें ऐसा कुछ है तो नहीं जो कि विरोध करने लायक है, ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं। हाँ स्कीम अच्छी है, अच्छा ही है, कुछ करने को मिल रहा है कम से कम। ऐसे तो और ही खाली बैठ के रहते हैं, ऐसे तो और ही खाली बैठे रहते हैं, कुछ करने को कम से कम मिल रहा है। अब लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनको चाहिए कि नहीं भाई हमको स्थायी सरकारी नौकरी चाहिए, तो अब उन वही लोग खाली गुस्सा है। अब जिनको ये भाई कि हमको करना है कुछ, तो वो लोग चाहे जैसे भी करके अपना। बड़ी बात है जो कि 4 साल के लिए है बस ना, इसकी वजह से थोड़ा सा और होता है, जैसे 10-15 साल के लिए हो जाता तो सही रहता और ज़्यादा। 15 साल तो अभी है ही, जैसे अगर सरकार उसको बढ़ा के 8 साल या 6 साल कर दी होती तो कुछ कहने को, लेकिन सरकार एक तरीके से फेल भी रही है क्योंकि अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाई पब्लिक के सामने। अगर सरकार पब्लिक के सामने अच्छे से बात अपनी रखती तो शायद इतना ये विरोध नहीं हुआ होता आज जो हमारे सामने देखने को मिल रहा है। सरकार का कहना है मैक्सिमम 21 साल में इनरोल होंगे, 25 साल में छूट जाएंगे, उसके बाद कहीं और कर पाएंगे, 6-7 साल कर देंगे। तो सरकार तो बोल रही है कि हम लोग इनको और सेक्टर में भी जैसे कि उसको क्या कहते हैं कि चांस देंगे, जैसे कि हाँ पुलिस वगैरह में हम उनको चांस देंगे आने का, तो सही है। कहना ये है कि 4-5 साल मेहनत करने के बाद तो नौकरी मिलेगी, वो भी बस 4 साल बाद फिर से घर बैठ जाओ खत्म नौकरी। 4-5 साल लग जाते हैं तैयारी करने में, NCC करने में 3 साल लगता है, 3 साल NCC करो 4 साल नौकरी करो, तो इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है उसमें ना, यही सब। सर एक चीज़ ये भी देखिए कि 2-3 साल से भर्ती आ भी नहीं रही थी और उसमें युवा जो है कि 12-12 बजे दोपहर में दौड़ रहे थे अपना, मतलब कि मेहनत कर रहे थे। सर एक तरीके से उनका भी तो देखना चाहिए। अब आप 75% युवाओं को बाहर कर देंगे, 12 लाख रुपए वाली बात नहीं है, सही बात है। बिजनेस स्टार्ट क्या सोचोगे? एक बच्चा जो है 12 पास करके आर्मी की तैयारी कर रहा है, वो बिजनेस अपने माइंड में क्या सोचेगा? ये सही बात है, हम तो खुद सपोर्ट कर रहे हैं सर कि सरकार जो योजना लिए सही ले, लेकिन सबको देखते हुए लाना चाहिए ना उसको। हाँ जैसे कि अगर 4 साल का है तो ट्रेनिंग कितने समय देंगे, कितने समय एक्सपीरियंस होगा, इस समय प्रॉब्लम होगा ना, तो 4 साल ट्रेनिंग ही रहेगा तो करेंगे कब, वो क्या करेंगे? तो चार साल तो आगे बढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं ना, जैसे 4 साल में वो उतना एक्सपीरियंस उतना एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे उस जगह पे ना, 4 साल बहुत कम समय है। ये इससे हम लोगों को तो खुशी है और जिसको हो या ना हो, लेकिन हम लोग इससे बहुत खुश हैं एक तरीके से। ओवरऑल अगर देखेंगे परसेंटेज तो अगर 100% में से 20% तो नाखुश है, बाकी 80% तो खुश है, तो हमको सबका देखना पड़ेगा। अब हम किसी एक वर्ग का तो लेके चलेंगे नहीं। तुम्हारे कहने में 80% खुश है, योजना है सरकार की, देश हित में बहुत अच्छी योजना है, योजना मतलब बहुत आगे इसके बहुत फल मिलेगा सबको और लोग यहाँ से निकलने के बाद 4 साल और भी तो ऑप्शन है, सरकार ने दिया है हर जगह उनको ऑप्शन मिला हुआ है। योजना बहुत अच्छा है, इसका विरोध गलत हो रहा है, जो हो रहा है ये बहुत अच्छा योजना सरकार का है।